नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। रात के 8 बज चुके हैं। वक्त चुका है आज के सबसे बड़ी बहस यानी कि 8 के अटैक का जवाब तो लेकर रहेंगे। गले की हड्डी बन गई है रीट। जी हां, रीट भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले वाला जिन एक बार फिर से बोतल से बाहर निकल चुका है। एसओजी के खुलासे के बाद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर उंगली उठने लगी और अब जब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड संदेह के घेरे में आ चुका है तब सरकार भी कटघरे में। रीट पेपर लीक मामले की जांच कर रही एसओजी ने माना है कि पेपर शिक्षा संकुल से ही लीक हुआ और एसओजी ने जैसे ही इस बम को जांच की पोटली से बाहर निकाला, बीजेपी और बेरोजगार संघ ने फौरन पलीते में आग लगा दी। बीजेपी के कई नेताओं ने एक साथ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और सरकार पर जमकर हमला बोला। जयपुर के चौमू में रामलाल शर्मा ने मोर्चा संभाला तो जयपुर में विधानसभा में प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने भी सरकार को फौरन घेरना शुरू कर दिया। वहीं बीजेपी सांसद ने तो कई गंभीर आरोप भी लगाए। बीजेपी साफ साफ कह रहे कि यह खेल बड़ा है, एसओजी बड़ी मछलियों को बचा रही और बेकसूरों को शिकंजे में लेकर जा रही। किरोड़ी लाल मीणा ने अपने अंदाज में दरअसल आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ब्लैक लिस्टेड सेंटर पर परीक्षा करवाई गई। डॉक्टर प्रदीप पाराशर एक प्राइवेट आदमी को परीक्षा का जिला कोऑर्डिनेटर बना दिया गया। ब्यूरोक्रेसी के एक बड़े अधिकारी और राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री ने मिलकर एक परिचित प्रिंटिंग प्रेस को ठेका दिया और उस समय के मंत्री और ब्यूरोक्रेसी के बीच में इस एवज में रिश्वत का बकायदा बंटवारा हुआ। जोधपुर में करीब 5,000 लोगों को रीट पेपर बांटा गया। अंदाजा लगाइए कितना बड़ा यह आरोप था। सीएमओ का एक बड़ा अधिकारी और एक अन्य ब्यूरोक्रेट और एक पूर्व कैबिनेट मंत्री रीट पेपर लीक में शामिल थे। उन्होंने कहा कि पूरे मामले में बड़े नाम आने हैं और इस पूरे मामले में सीबीआई जांच हो। किरोड़ी लाल मीणा का यह आरोप बेहद गंभीर है। वहीं बेरोजगार संघ ने भी आंदोलन के लिए कमर कस ली है। उधर एसओजी की टीम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के दफ्तर के भीतर पहुंच गई और दस्तावेजों के जरिए सुराग तलाश रही। एसओजी के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के दफ्तर पहुंचने से बोर्ड अध्यक्ष बैकफुट पर है। उनके चेहरे का नूर काफूर है और कसते शिकंजे का खौफ साफ तौर पर देखा जा सकता है। और अब सफाई पेश कर रहे सवाल वही कि लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले क्या बेनकाब हो पाएंगे और क्या उन्हें उनकी सजा मिल पाएगी या फिर ये सब एक बुलबुले की तरह खत्म हो जाएगा। रिपोर्ट देखिए, चलेंगे सीधे सवालों पर। रीट पेपर परीक्षा लीक मामले में एक नया मोड़ आ चुका है। एसओजी की जांच में सामने आया कि रीट परीक्षा का पेपर शिक्षा संकुल से ही लीक हुआ था। ये बात सामने आने के बाद प्रदेश में बवंडर खड़ा हो गया है। बीजेपी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के साथ साथ सरकार को भी घेर रही है। बीजेपी का मानना है कि रीट परीक्षा फेयर नहीं हुई है, लिहाजा इसे रद्द करना चाहिए और साथ ही मामले की जांच सीबीआई को सौंप देनी चाहिए क्योंकि एसओजी बड़ी मछलियों को बचा रही है और बेकसूरों पर शिकंजा कस रही है। बड़े मगरमच्छ आने वाले हैं, वहां जाकर एसओजी रुक जाएगी। सीएमओ का बड़ा ब्यूरोक्रेट और शिक्षा मंत्रालय का बड़ा ब्यूरोक्रेट, बड़े नेता इसमें आगे उनके हाथ निकलेंगे, इसलिए एसओजी उन पर हाथ नहीं डाल पाएगी। एक दूसरा, मैंने जो अभी आरोप लगाया है कि एसओजी के कुछ अधिकारी इसमें मिले हुए हैं जो निर्दोषों को फंसा रहे हैं। ईमानदारी से पारदर्शिता के साथ परीक्षा नहीं हो पाई, इसलिए इस परीक्षा को निरस्त किया जाना चाहिए। और अगर निरस्त करने का काम भी नहीं करते हो तो बड़े हाथियों को बचाने का काम जो वर्तमान सरकार कर रही है तो उनके लिए सीबीआई की जांच नितांत आवश्यक है। एसओजी की फाइंडिंग के बाद बेरोजगार संघ को भी सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया। बेरोजगार संघ आंदोलन की बात पर अड़ गया है। राजस्थान के युवा न भ्रष्टाचार, न पेपर लीक और न घूसखोर सहन करेगा। इंटरव्यू पड़ताओं को समाप्त करना होगा, तो तमाम मांगों को लेकर हमने विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। उधर एसओजी की कार्यवाही लगातार जारी है। एसओजी की टीम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के दफ्तर पहुंचकर दस्तावेज खंगाल रही है ताकि पेपर लीक मामले की कड़ी को जोड़ा जा सके। एसओजी के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पहुंचने से बोर्ड के अध्यक्ष डीपी जारोली बैकफुट पर हैं और सफाई दे रहे हैं।
जांच में जो एक्यूज थे वो पकड़े गए, और पकड़े गए तो उन्होंने जैसे कहाँ से बुकलेट ली, क्या ली, तो वो सारे डेटा लेने हमारे पास आए कि किस केंद्र पर रिजर्व में कितनी कितनी बुकलेट थी, कहाँ कितनी थी, कैसी थी और कहाँ से निकली है, तो वो चीज़ें यहाँ लेने आए, पता करने आए, तो उनको दिखा दिए हमने। बहरहाल एसओजी का ये कहना है कि पेपर शिक्षा संकुल से लीक हुआ है, ये बता रहा है दाल में काला है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन सब का असर सीधे सीधे अभ्यर्थियों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, और किसने किया, क्या किया, अब आगे क्या होगा, इसका कोई मतलब नहीं है जब तक अभ्यर्थियों को इंसाफ नहीं मिल जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।